मूछें बहुत अच्छी हैं आपकी, मूछें हो तो आपके जैसी हो। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और ये वीडियो होने वाली है छठ पूजा के ऊपर कम्प्लीटली। और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही होगी, बैकग्राउंड और बाहर की भी नॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे है मोर देन 50,000 लोगों की भीड़। मैं ऐसे कैमरा जस्टिस तो नहीं कर रहा होगा, आई एम डैम श्योर। अभी जो छठ पूजा है ना, वो दो चरणों में होती है, एक होती है शाम को और एक होती है सुबह में। यार बोल दिया करो, इतना शर्माया मत करो कैमरे के सामने। मैं जितने लोगों के से ऊपर कैमरा लेके जाता हूँ ना, मोस्ट ऑफ दी लोग शर्मा जाते हैं। मुझे लगता है यार ऐसे कैमरे में बोलना भी कोई आर्ट है क्या? एक्चुअली नहीं है, मुझे थोड़ी आदत सी पड़ गई है। तो अभी ये शाम का छठ है, सुबह का छठ भी होगा, तो शाम और सुबह दोनों वक्त का छठ मैं इसी वीडियो में कंबाइन करूँगा। आप लोग बस थोड़ा एन्जॉय करिए इस वीडियो को, और अगर थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है ना, फिर भी थोड़ा प्यार दिखाइए ना यार, क्योंकि ये मुंबई का छठ है भाई। क्या बोलते हो? फिर से एक, ये है छठ का महापर्व, और यहाँ पे सारे लोग पूरे श्रद्धा भाव से, मोस्ट ऑफ द लोग, जितने लोग भूखे रहते हैं, उपवास रखते हैं, वो लोग खाली पैर आते हैं, और बहुत सारे लोग तो अपने बिना पैरों का इस्तेमाल किए ऐसे नापते हुए आते हैं। घर से मतलब तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर से वैसे ही करके चलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तो सिर्फ छठ पूजा में ही ढलते हुए सूरज का भी पूजा होता है और उगते हुए सूरज का भी पूजा होता है। यहाँ से लाइट है जो ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल आ रही है सूरज की, सीधा फेस पे। अभी ये काम करते हैं इस वीडियो में, जो ये अंकल पीछे खड़े हैं ना, रैंडमली इनसे जाके बात करते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन कैसे होता है। अंकल, आप कितने टाइम से आ रहे हैं छठ पूजा में? मैं छठ पूजा में तो 10 साल से आ रहे हैं। जब आप 10 साल के थे? हाँ, तब से मैं आ रहा हूँ छठ पूजा में। और उससे छोटे होंगे तो आपको तो याद ही नहीं होगा, बचपन में भी जाते होंगे, है ना? हाँ। ये सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है और यूपी में या और भी कहीं? ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मतलब वो पूर्वांचल में, पूरा सब जगह मनाई जाती है छठ पूजा। तो हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। बचपन में हमारा छठ काफ़ी कमाल होता था और हमें आता था बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि दिवाली में भी हम बहुत सारे पटाखे फोड़ते थे, और दिवाली के जो पटाखे बचे हुए रहते हैं उन्हें फोड़ने के लिए हम छठ में बजा के रखते थे। अंकल, मूछें बहुत अच्छी हैं आपके, मूछें हो तो आपके जैसी हो, वरना ना हो। अंकल मुस्कुराते हुए चले गए, ज़्यादा भाव नहीं दिए, बस थोड़ा स्माइल कर दिए, पर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। तो ऐसे खुशियाँ बांटते रहो। अभी जो शाम की छठ है वो ख़त्म हो चुकी है, अब सब लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, और वापस सुबह में 5 बजे 5:30 बजे उठ के सब लोग यहीं पे आएंगे, और हम भी आपसे सुबह में 5:30 बजे मिलेंगे। सुबह के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, और अभी यहाँ से नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। आज मैं सुबह सुबह लेके आ रहा था सर पे, तो ये जगह पे फिसल गया और मैंने सारा सामान नीचे गिरा दिया। बचपन में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतजार होता था वो है ये, क्योंकि जब पूजा खत्म हो जाता था, सूर्य को अभी हमने अर्घ दे दिया है, मैं दिलवाया मम्मा को अर्घ, उसके बाद मिलता था हमें खाने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार टाइम होता था। जैसे तैसे कैसे करके आ गया हूँ मैं अपने घर पे, और छठ पूजा रही बहुत ही ज़्यादा शानदार, और पूजा हो चुकी है ख़त्म, प्रसाद भी हमने खा ही लिया है, और ये वीडियो भी अभी एडिट करना है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वन सेकेंड, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, और क्या बाकी सब बढ़िया है।